हालांकि लॉकडाउन को लेकर के अभी काफी कंफ्यूजन है, कई लोग अपने अपने दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन अभी भी लॉकडाउन पूरी तरह कड़ाई से लागू किया जा रहा है। हम बता दें, लहरियासराय थाना प्रभारी के द्वारा एसएसपी के निर्देश के बाद लहरियासराय के विभिन्न इलाकों में उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल आज 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक किया गया। इस दरमियान कई इलाकों में होटल चलाने वाले एवं मस्ती करने वाले लोगों को ड्रोन कैमरे के सहारे पकड़ा गया। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। लहरियासराय के पंडासराय, खाजासराय, दारू भट्टी चौक, बलवागंज आसपास इलाकों में पुलिस ने पूरी तरह ऐसे उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए एवं लॉकडाउन पालन नहीं करने वाले लोगों को ड्रोन कैमरा की नजर में लाने का प्रयास किया। आपको हम दिखा रहे हैं, ये लहरियासराय के दारू भट्टी चौक और बलवागंज की तरफ का यह रास्ता है, जहां पूरी तरह वैसे व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो लगातार पुलिस के सख्ती के बावजूद बात नहीं मान रहे हैं। पुलिस को लगातार इस बात की सूचना मिल रही है कि घर के छतों पर एवं गलियों में कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और मटर गश्ती करते नजर आते हैं। हालांकि सड़कों पर तो सन्नाटा नजर आया, लेकिन कई गली कूचों में पुलिस को वैसे व्यक्तियों की तलाश थी जो लगातार लॉकडाउन की अवहेलना कर रहे थे। ऐसे व्यक्तियों को पुलिस ने शिनाख्त की है और चिन्हित करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ड्रोन कैमरा रुक रुक कर कई जगहों पर जाकर छत एवं गलियों का नजारा लेते नजर आई। हम आपको दिखा रहे हैं लहरियासराय गुडलक के द्वारा, गुडलक के सौजन्य से हम आपको दिखा रहे हैं ये लहरियासराय का कई छतों के इलाकों में लोगों पर ड्रोन कैमरे की नजर रखी जा रही है। और यह भी हम बता दें, इस तरह कई दुकानों के खुलने की सूचना मिली थी। गृह मंत्रालय से जो पत्र राज्य सरकार को आया था और राज्य सरकार ने यह भी लिखा था कि जिले के डीएम पर निर्भर करता है कि वो जरूरत और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोले, से लेकर के भ्रम की स्थिति रही। किताबों की दुकान खुलने की बात हुई, बाद में थाना प्रभारी के द्वारा किताब के दुकानों को बंद किया गया। हालांकि कई बिजली के दुकान, प्लंबर की दुकान भी खुले नजर आए, लेकिन उन लोगों पर भी रोक लगा दिया गया। जैसे इस छत पर खड़े कुछ लोगों को भी ड्रोन ने चिन्हित किया। कुछ लोग ऐसे थे जो छतों पर ही रह रहे थे। हालांकि गली कूचे एवं वैसे जगहों पर भी पुलिस लोगों की शिनाख्त और छानबीन कर रही है, जो बागीचे में बेवजह भीड़ लगा रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे की सहायता से आज नजर रखी गई। हम बता दें, दरभंगा में अभी भी लॉकडाउन है और 3 तारीख तक रहेगा। हालांकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में राहत दी गई है ताकि लोगों को इस बात की सूचना रहे कि सरकारी जो कार्य है, सड़क पुल पुलिये एवं मनरेगा से संबंधित जो कार्य है, उसके लिए बालू गिट्टी सीमेंट के दुकानों को खोलने की बात की गई है। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र से बाहर ग्रामीण क्षेत्र के दुकानों को भी खोलने की बात की गई है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं लहरियासराय के विभिन्न इलाकों का, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह पुलिस और प्रशासन वैसे लोगों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है जो लॉकडाउन का मजाक उड़ा रहे हैं और लोगों की बात नहीं मानने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने कई बार उन लोगों को समझाया, अंत में ड्रोन कैमरा का सहारा लिया गया। एक दिन पूर्व 19 लोगों पर एफआईआर लहरियासराय थाने में कराई गई थी और दरभंगा में भी 38 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज टाउन थाने में कराई गई। जब लोग बात नहीं मान रहे हैं तो अंत में पुलिस को सहारा लेना पड़ा। और हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा का लहरियासराय थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर ड्रोन कैमरा के द्वारा ली गई तस्वीर। इसी बहाने आप देखिए आपका लहरियासराय कितना सुंदर लग रहा है। इससे पहले आपको ये देखने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन मिथिला मंच न्यूज गुडलक
जो वीडियोग्राफी सेंटर है उसके सहयोग और सहारे हम आपको दिखा रहे हैं लहरिया सराय के मुख्य चौक चौराहों की हालात। दरभंगा में जो सौंदर्यीकरण है मकानों का, सड़क का, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए और अंदाजा लगाइए कि आपका दरभंगा कितना सुंदर है। हालांकि कुछ लोग को देखा जा रहा है जो मटर गश्ती करते नजर आते हैं छत पर भी, आप भी देख रहे हैं, और पुलिस भी इसे देख रही है और इसे लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को बताया जाए कि पूरी तरह 3 तारीख तक आप लॉकडाउन की अवहेलना न करें। इक्का दुक्का लोग जो जेवड़ी के सामान हैं उन्हें लेने के लिए सड़कों पर गाड़ियों से नजर आते हैं, उन लोगों को पास इशू किया गया। जिन लोगों का पास इशू किया गया है वो लोग आ रहे हैं क्योंकि सरकारी कार्यालय खुले हैं, खाली निजी जो संस्था है वो बंद किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं के जो विक्रेता हैं उनके दुकानों के खुलने की इजाजत दी गई है। जो प्लंबर मिस्त्री हैं, जो बिजली मिस्त्री हैं, उन लोगों को आने जाने के लिए पास इशू नगर निगम के द्वारा किया गया। जो जरूरतमंद है उनके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह छूट दी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बात नहीं मान रहे हैं सरकार का और प्रशासन का, उन लोगों पर। हालांकि इस संबंध में लहरिया सराय थाना प्रभारी एचएन सिंह ने कहा कि सभी जगह ड्रोन की कैमरा के सहारे रखते हुए 2 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोई उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अभी अधिकतर देखा जा रहा है कि लॉकडाउन को लोग पालन कर रहा है। कैमरा को देखने में, फुटेज देखने में पाया जा रहा है कि नहीं, लोग आवश्यक आवश्यकता के लिए जो निकल रहे हैं वही लोग दिखाई दे रहे हैं। अनावश्यक भीड़ भाड़ चाहे ऐसा सामाजिक तत्व चाहे उपद्रवी तत्व लकवा शरारती तत्व वैसा बाहर अभी नहीं निकले हुए हैं। अभी 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, 2 आदमी को पकड़ के आपने डाला है, किस तरह से उनको? इन लोगों का इसे सीसीटीवी ड्रोन कैमरा की ही मदद से देखा गया कि लोग उधर पुलिस को देख कर रूट बदल रहे थे, तो लगा कि नहीं ये लोग का बिना मतलब, जब सत्यापन किया गया तो पाया गया कि ये अनावश्यक घूम रहे हैं दोनों आदमी। एक होटल वाले हैं जो कि होटल वाले से कोई मतलब नहीं है, होटल बंद है, सब मछली मीट का वो घूम रहा है। इसके बाद एक कह रहा है कि आ रहे हैं भाभी, कह रहे भौजाई कहीं कहाँ कहाँ से आने का बात कर रहा है, जो कि लगता है कि उसके बातों से लगता है कि इन लोग का मकसद थोड़ा अनावश्यक रूप से घूमना है। अभी आप कहाँ कहाँ जाँच करेंगे? और अभी अन्य क्षेत्रों में भंडा और रहमगंज करमगंज उधर जो वीवो के साइड में हम लोग देख लिए हैं। अब बचा हुआ था जो स्टेडियम से आगे जो कन्हैया पोखर हुआ, खजा सराय हुआ, इसके बाद पंडा सराय हुआ, इस सब एरिया को भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो दूसरी तरफ लहरिया सराय थाना प्रभारी को सूचना मिली कि झारखंड में रहने वाले एक व्यक्ति को दवा की आवश्यकता है। पुलिस को सूचना मिलते हुए एचएन सिंह ने उस व्यक्ति तक दवा पहुंचाने का कार्य किया। धन्यवाद देंगे। खुश आएंगे? हाँ हाँ खुश। घर में कौन कौन से लोग? अब 5 आदमी सब। झारखंड से एक फोन आया जिस पर मैसेज आया था कि एक बुजुर्ग उनकी परिवार के लोग यहाँ पर हैं, उनके पास सैनिटाइजर और दवा नहीं है, तो उनसे हम लोग कॉन्टेक्ट किए। इसके बाद इनके घर का पता लगाए, बिलवागंज में उनका घर पड़ता है। इसके बाद अपने पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उसको सैनिटाइजर और दवा खरीदवा कर उनके यहाँ आपूर्ति किया गया सुबह में।